नमस्कार फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद एक्चुअली मैं बहुत दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि अपने जॉब के अलावे मैं एक्चुअली एलायंसर में एज ए केबिन क्रू काम कर रहा हूँ। तो अपने जॉब के अलावे मैं एक बिजनेस भी कर रहा हूँ जो ई कॉमर्स कंपनी है, स्पैरोसाइन उसके अंतर्गत जुड़ा हूँ। इस वजह से मैं यूट्यूब में वीडियो डालना थोड़े दिनों से बंद करके रखा था, लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है कि अभी मुझे YouTube में वीडियो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे बहुत से बंधु बांधव, मेरे जो जान पहचान वाले हैं या फिर जो भी क्लोज बंधु हैं, उनका रिक्वेस्ट है कि आप वो गाइड किया कीजिए टाइम टू टाइम। और चूंकि ये इंटरव्यू जो है अलायंस से रिलेटेड है और ये जॉब भी अलायंस एयर से रिलेटेड है, इसलिए मैं सोचा कि ये वीडियो मुझे आप सबके लिए बनाना ही होगा दोस्तों। तो बिना कुछ देरी के आज का वीडियो प्रारंभ किया जाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे अलायंस एयर में निकली एक वैकेंसी जिसका फॉर्म ऑलरेडी आप लोगों ने फिलअप कर चुका है, जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सीनियर सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी के पोस्ट के लिए निकला है, स्पेशली ईस्टर्न रीजन गुवाहाटी कोलकाता के साथ साथ आपका पैन इंडिया के लिए कुछ कुछ जगहों के लिए। दोस्तों आपको बता दें, ये वैकेंसी तो आपने फॉर्म भर दिया है, लेकिन इसका इंटरव्यू का या फिर एग्ज़ाम का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बता दूँगी। स्टेप्स मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। जैसा कि आप सबने फॉर्म भर के रखा है, फॉर्म भरने के कुछ दिनों के बाद आपको बाई मेल और बाई फ़ोन भी, टेलीफोनिक भी कभी कभी आता है कॉल, और बाई मेल ही मोस्टली उनका आपको आता है कि यू आर गेटिंग इन्विटेशन फॉर योर रिटर्न एग्जामिनेशन। अलायंस एयर से आपको मेल आएगा रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही साथ आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी आ सकता है कि इस डेट को आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है। दोस्तों जहाँ तक प्रोसेस की बात करें तो अलायंस एयर में सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि हम लोग एयर इंडिया की बात करें, IGSL या फिर एयर इंडिया सिक्योरिटी की पहले जो बहाली होती थी उसमें दौर होता था, लेकिन अभी अलायंस एयर की जो वैकेंसी निकली सिक्योरिटी की उसमें कोई दौर या कोई फिजिकल एक्टिविटी वाला कोई स्टेप्स नहीं होता। दैट मीन्स आपका डायरेक्टली रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो रिटर्न एग्जामिनेशन 50 नंबर का होता है, उसमें 10 नंबर जो होता है एसे होता है। एसे मतलब किसी भी टॉपिक पर आपको एसे लिखना है, एनी टॉपिक कैन बी देयर। तो ऐसे ऐसा चीज़ है जिसमें हर लोग आसानी से लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना होता है। बाकी बचा 40 नंबर, उस 40 नंबर में 20 नंबर आपका जनरल नॉलेज का होता है, मतलब सारे बाकी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 20 नंबर आपका जनरल नॉलेज का होता है, करंट अफेयर्स वगैरह का होता है, बाकी 20 नंबर में एविएशन सिक्योरिटी या फिर जो भी करंट अफेयर्स, वो ओवरऑल देखा जाए तो 40 नंबर आपको करंट अफेयर्स और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही होते हैं, जैसे प्रेजेंट एक्टिविटी के, अभी के प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर कौन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जो पाकिस्तान से अफिलिएटेड है, 4-5 ऑप्शन है, उस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एविएशन से रिलेटेड भी, जैसे कि एविएशन मिनिस्टर कौन है, मतलब एयर इंडिया का मतलब क्या क्या फ्लीट्स है, एयर इंडिया का CMD कौन है, CEO कौन है, एयरलाइंस का CMD CEO कौन है, इस तरीके का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और 10 नंबर आपका एसे मार्क्स का होगा। ये हो गया आपका कैलकुलेशन आपका ऐसे ये रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में, जिस रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में आपको बता रहा था। वही बात करें रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा, तो दोस्तों रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद अगला स्टेप होता है मेडिकल का। अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करते हैं तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं जिनका आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, उनका लगभग समझ के रखो क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस में मतलब वहाँ एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस दिखाया है, तो उनके चांसेस 100% है कि उनको कॉल आएगा ही आएगा, ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद। इसमें कोई इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आपको मेडिकल होता है। मेडिकल के फिर यहाँ पे उनका दो तरीके टाइप का मेडिकल होता है। एक मेडिकल वो आपको बोल देंगे कॉल करके या फिर मेल आएगा कि कोई भी NABL या फिर NABH अफिलिएटेड जो भी टेस्टिंग कराने वाले, जो भी आपका क्लिनिक हो या फिर जो भी, जैसे सुरक्षा हो गया, आपका जहाँ जहाँ जो भी आपका ये है डायग्नोसिस सेंटर है, जहाँ जो भी NABL और NABH से अफिलिएटेड है वहाँ आप मेडिकल करवा सकते हो। जो जो मेडिकल में क्या क्या कराना है वो सब आपको मेल में ही आ जाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियरिफाई करने के बाद, और या फिर आपको फ़ोन करके बुलाएंगे कि आपको अलायंस भवन में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आना है, फिर वहाँ पर आपको दिल्ली में आपका मेडिकल कराया जाएगा, साथ साथ आपका जो है मतलब जो नॉर्मल हाइट वेट और ब्लड प्रेशर वगैरह वहाँ पे वो चेक करते हैं। तो ये प्रोसीजर अलायंस का देखा जाए तो बड़ा ही सिंपल है। अगर आप अप्लाई करते हो, अगर रिटर्न के लिए एग्जामिनेशन आ जाता है तो रिटर्न में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से उस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हो और पास आउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है और एसे वगैरह होता है, ठीक है। इसमें मैं बता दूँ दोस्तों, अलायंस के रिटर्न में मोटमाट 90-95% लोग क्वालिफाई कर जाते हैं।
वही बात रही आपकी मेडिकल की, तो मेडिकल में तो कुछ है ही नहीं, आपको सिर्फ मेडिकल करा के जाना है वहाँ, मतलब रिटर्न बैक पर कॉल आ गया दैट मीन्स यू आर 100% क्वालिफाइड फॉर दिस, ठीक है। और वहाँ पे जाकर मेडिकल होगा तो आपको वहीं पे सारा टेस्ट वगैरह कराया जाएगा, और जो NABL NABS से अगर आपको मेल आता है कराने के लिए तो वहाँ से कराने के बाद आपको बस एक हाइट वेट और आपका ब्लड प्रेशर वहाँ चेक किया जाता है, उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपका स्टेशन डिसाइड होता है कौन से स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग होगी, और स्टेशन पर जाके आपको एयरपोर्ट एंट्री पास का प्रोसीजर तय करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका अलायंस एयर के सिक्योरिटी के निकले वैकेंसी का इंटायर प्रोसीजर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो मेरे बताए हुए सारे स्टेप्स को देखिए, और हो सके तो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स वगैरह पे टीवी वगैरह देखा कीजिए, करंट अफेयर्स या फिर करंट अफेयर्स का जैसे प्रतियोगिता दर्पण वगैरह उससे रिलेटेड आप कुछ मिलता भी तरीके का कुछ बुक की मदद ले सकते हैं, और करंट अफेयर्स वाले से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह या फिर सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह के बारे में डिफेंस साइड के बारे में कुछ जान के आप उसमें मतलब एक बार कैरी ऑन कर सकते हैं उसमें, अगर देख के कि कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये होगा इंटायर इन्फॉर्मेशन अलायंस के बारे में, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगली नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना पेशेंस रखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को देखिए अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू।